नमस्कार, प्रस्तुत है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट का पार्ट 4 वीडियो। और इस वीडियो में हमने क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2023 के पैसेज को चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सही ऑप्शन को चुने। On 3rd February 2016, an avalanche hit an Indian military base in northern Siachen Glacier region, trapping 10 soldiers under deep snow. 3 फरवरी 2016 को एक हिमस्खलन, जो बर्फ गिरता है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान को, उसको एवलांचे बोलते हैं। तो एक हिमस्खलन ने उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के इंडियन मिलिट्री बेस को हिट किया, यानी धक्का दिया या जो कहें। इसमें 10 सैनिक गहरे डीप स्नो, यानी गहरे बर्फ के अंदर अंदर दब गए, है ना। तो इसको एक बार में अगर हम हिंदी में पढ़ें तो ऐसा होगा, 3 फरवरी 2016 को एक हिमस्खलन ने उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर रीजन के इंडियन मिलिट्री बेस को हिट किया, जिसमें 10 सैनिक गहरे बर्फ में दब गए। लांस नायक हनुमनथप्पा कोप्पड एन इंडियन सोल्जर विद द मद्रास रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी सर्वाइव द मैसिव एवलांची। लांस नायक हनुमनथप्पा, है ना, थोड़ा सा उच्चारण करने में कठिन है। लांस नायक हनुमनथप्पा कोप्पड, जो एक भारतीय सैनिक था और वो मद्रास रेजिमेंट था, वो उस भयानक हिमस्खलन में बच गया। ही वॉज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर एवलांचे रेस्क्यू ऑपरेशंस बाय द इंडियन आर्मी 6 days after the disaster. फिर से एक बार पढ़ता हूं। He was found during post-disaster avalanche rescue operations by the Indian Army 6 days after the disaster. उस प्राकृतिक दुर्घटना के 6 दिनों के बाद जब rescue operation चलाया गया Indian Army के द्वारा, तब वो पाया गया। He was rescued from 35 feet beneath the snow in minus 45 degree Celsius temperature. Beneath का मतलब नीचे होता है। उसका जो बचाव किया गया, उसको जो निकाला गया, वो 35 feet नीचे बर्फ में, जहां की टेम्परेचर minus 45 degree Celsius था, वहां से पाया गया। 9 other personnel at the post died in the incident. जो दूसरे personnel थे, कहे सैनिक थे या लोग थे, वो मर गए उस दुर्घटना में, मारे गए। फिर से, उस दुर्घटना में दूसरे 9 लोग मारे गए। कोप्पड हु कुडंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। कोप्पड भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा, क्योंकि उसका जो मल्टीपल, कई ऑर्गन, कई अंग फेल्योर हो चुका था, फेल हो चुका था।
आफ्टर ए फ्यू डेज ही डाइड, कुछ दिनों के बाद वो भी मर गया। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, इंडियन मिलिट्री बेस को किसने किसने हिट किया? फ्लड यानी बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप, एवलांचे, हिमस्खलन, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने पढ़ा ये है एवलांचे। लांस नायक कोप्पड वाज ऑफ ब्लैंक रेजिमेंट, लांस नायक किस रेजिमेंट से था? पंजाब, मद्रास, बिहार, नन ऑफ दीज। तो ये था मद्रास से। अब इसको पूरा एक साथ पढ़ते हैं। लांस नायक कोप्पड वाज ऑफ मद्रास रेजिमेंट, लांस नायक कोप्पड जो था मद्रास रेजिमेंट का था। क्वेश्चन नंबर 53, ही वाज फाउंड ब्लैंक डेज आफ्टर द डिजास्टर, डिजास्टर के कितने दिन बाद वो पाया गया था? 6 days। हाउ मेनी सोल्जर्स डाइड इन दिस इंसिडेंट, इस घटना में कितने सैनिक मारे गए थे? 10। कोप्पड डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, कैंसर, फीवर। तो ये था मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। तो ये था बोर्ड एग्जाम 2023 का पहला पैसेज। इस एग्जाम में एक पैसेज और आया था जो मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।